उम्मीदवारों ने भी अपने जनसंपर्क में तेजी ला दी है। बात करें वार्ड क्रमांक का 12 की निर्दलीय प्रत्याशी शमीम बानो की, तो उन्होंने भी अपना तूफानी जनसंपर्क जारी रखा हुआ है और एक भारी जनसमर्थन इन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद उम्मीदवार शमीम बानो को जनता का समर्थन मिल रहा है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देकर महिला प्रत्याशी वार्ड में भारी दिखाई दे रही हैं और उनकी लहर भी दिखाई दे रही है। इधर अब चुनाव में भी कांटों की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मजबूती से चुनाव लड़ रही महिला प्रत्याशी का वार्ड में तूफानी जनसंपर्क भी चल रहा है। श्रीमती बानो ने बताया कि मुझे चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को मिटाने की एक लड़ाई शुरू की है। अमूमन वार्ड में किसी तरह की मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी और ड्रेनेज लाइन, स्ट्रीट लाइट और सड़कों के मरम्मत कार्यों में ठेकेदारों के द्वारा जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार कर पलीता लगाया जा रहा है। श्रीमती बानो ने कहा कि जिस तरह चुनाव में संघर्ष किया जा रहा है उसी तरह पार्षद का चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका परिषद नीमच को बनाया जाएगा। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सभी वार्डवासियों से अपील करते हुए कहा कि मुझे अपनी बेटी समझते हुए एक बार विजय आशीर्वाद दिला दो। उम्मीद से ज्यादा विकास कार्यों की सौगात ना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। घर घर नल कनेक्शन और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ वार्ड की महिलाओं को दिलाया जाएगा। नीमच से अंकित यादव की रिपोर्ट। तो ये था आप तक अपडेट। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।